बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल माय सेल्फ डॉक्टर कायनात आमिर आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट इन ग्लोबल स्पेशल स्कूल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास ओए। ओए हमारे पास क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसकी डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे, इसके काजेज डिस्कस करेंगे, इसके टियोलॉजीज एंड रिस्क फैक्टर डिस्कस करेंगे, साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, ट्रीटमेंट, फार्मोलॉजिकल, नॉन फार्मोलॉजिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। बेसिकली ओए हमारे पास होता क्या है? ये हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ऑस्टियो मीन्स बोन्स एंड आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स, मतलब जोड़ों में सूजन हो जाना। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ओए के काजेज क्या होते हैं। हमारे पास टू टाइप्स होते हैं, एक हमारे पास प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, एक हमारे पास सेकेंडरी ऑर्थराइटिस होता है। जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है इसमें हमारे पास जो कार्टिलेज होता है बोन्स के दरमियान में उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और इसकी काज हमारे पास अननोन होती है। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी ऑर्थराइटिस, जो हमारे पास उसकी कॉज होती है वो किसी बॉडी में कोई इन्फेक्शन चल रहा होता है या हमारे पास कंजेंटल ज्वाइंट डिसऑर्डर होता है कोई या फिर हमारे पास एवस्कुलर नेक्रोसिस होती है। देन इसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या एटियोलॉजीज क्या है उसकी या रिस्क फैक्टर्स क्या है कि हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस किस वजह से होता है। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास एज। जिनकी पेशेंट की एज अगर 50+ होती है इसका मतलब कि वो मोर प्रोन टू ऑस्टियोआर्थराइटिस है। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है जेंडर। जेंडर में जो हमारे पास फीमेल्स हैं उसमें ये ज़्यादा पाया गया है कि जो हमारे पास फीमेल्स हैं औरतें हैं उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की रेशियो ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास ये आता है कि हमारे पास पेन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, जॉइंट की कोई डिफॉर्मिटी है, पेन है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। बेसिकली सिम्टम्स ये होते हैं कि जो पेशेंट हमें आके बताता है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, और साइंस ये होते हैं जो फिजिशियन डायग्नोज करता है या पेशेंट को असेस करता है। सिम्टम्स हमारे पास ये होते हैं कि पेशेंट को हमारे पास ये होता है कि मसल बल्क जो सा होता है वो डिक्रीज हो जाता है, पेन होती है, और साइंस हमारे पास ये होते हैं कि हमारे पास फ्लेक्सीबिलिटी जो सी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्रैकिंग एंड क्लिकिंग साउंड आ जाती हैं, पेन एंड स्टिफनेस होती है पेशेंट को। देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ओए की स्टेजेस कितनी हैं। बेसिकली हमारे पास ओए की जो स्टेजेस हैं वहाँ पास 4 स्टेजेस हैं, अर्ली, माइल्ड, मॉडरेट एंड देन सीवियर। अब हम वन बाय वन इंसानों को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास होती क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अर्ली स्टेज का है। अर्ली स्टेज में होता है कि इसमें हमारे पास बिल्कुल माइनर सी ब्रेक डाउन होता है कार्टिलेज का जो हमारे पास एक्सरे में शो नहीं होता। देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं माइल्ड के बारे में। माइल्ड में होता है कि पेशेंट को लिटिल बिट पेन होता है लेकिन ये है कि वो एक्सरे में हमारे पास शो हो जाता है। देन इसके बाद हमारे पास आता है मॉडरेट। मॉडरेट में पेशेंट को पेन एंड स्टिफनेस जो होती है वो उसकी इंक्रीज हो जाती है और जो ब्रेक डाउन होता है बोन्स के बीच में कार्टिलेज का ब्रेक डाउन वापस जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है और पेशेंट को रनिंग, वॉकिंग सब हर चीज़ों में, नीलिंग में, चलने में, दौड़ने में, उठने में, बैठने में पेशेंट का जो पेन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। देन इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मॉडरेट स्टेज 4। इसमें हमारे पास पेशेंट को ये होता है कि हम लोग सर्जरी जो सी है रिकमेंड करते हैं। देन हम इसके बाद ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ओए का ट्रीटमेंट क्या है। इसमें हमारे पास फार्मोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, नॉन फार्मोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है एंड देन सर्जरी होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फार्मोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। बेसिकली हमारे पास फार्मोलॉजिकल ट्रीटमेंट ये होता है कि पेशेंट जो सा है एनसीड यूज़ करते हैं, ओपियोइड्स यूज़ करते हैं एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। देन उसके बाद नॉन फार्मोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ये आता है कि फिजिकल थेरेपी जो सी है वो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। फिजिकल थेरेपी में सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि हम पेशेंट के आर्म्स पे काम करते हैं, पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन पे काम करते हैं, देन हम पेशेंट की स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हैं, देन हम उसके एरोबिक पे काम करते हैं कि ताकि पेशेंट की जो हमारे पास मूवमेंट्स हैं वो हमारे पास इंक्रीज हो सके। देन उसके बाद ये है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि जिस जॉइंट्स में उसको पेन है उस पर वो वेट बियर मत करे। अब पेशेंट को ये रिकमेंड करते हैं कि वो सप्लीट्स यूज़ करें, कैंस यूज़ करें, क्रचेज यूज़ करें एंड देन फ्रेम यूज़ करें। उसके बाद हमारे पास लास्ट ट्रीटमेंट होता है सर्जरी, कि पेशेंट को जो हमारे पास होता है जो सीवियर होते हैं जिनकी फिजिकल थेरेपी नहीं हो सकती उसमें हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं वो सर्जरी की तरफ जाते हैं। देन फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं हम उनको रेफर कर देते हैं ऑर्थोपेडिक्स के पास के जो उनकी है वो, क्योंकि पेशेंट को जो सा होता है बहुत सीवियर पेन होता है, ठीक है। देन पेशेंट को हम लोग रेफर कर देते हैं ऑर्थोपेडिक के पास। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस के हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। थैंक यू।